नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव के बाद अब फिर से हरियाणा में चुनावी मौसम आ गया, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पा रहा। हरियाणा के निकाय चुनाव इस साल होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। नए बने 5 नगर निगमों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होने जा रहा है। उन 5 नगर निगमों में भी चुनाव समय पर होने के आसार अब नजर नहीं आ रहे। कई नगर निगम के चुनाव 2 साल से भी लटके हुए हैं। आखिर नगर निगम के चुनाव में देरी क्यों हो रही है? सरकार अपने तर्क दे रही है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का कहना है कि ओबीसी कैटेगरी का आरक्षण नहीं हो पाया, इसकी वजह से उसमें सरकार काम कर रही है। साथ ही वार्ड बंदी नहीं हो पाई है, वो भी एक वजह बताई जा रही है। लेकिन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं और इन्हीं के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तारुफ करा दूं उनका, एसोसिएट एडिटर महेश, डॉक्टर महेश हमारे साथ हैं हिसार से। पानीपत से देवेंद्र कथोरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हैं। और आखिर इन्हीं के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। वैसे तो हरियाणा और देश में अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा और फिर कई जगह विधानसभाओं के चुनाव की गहमा गहमी, जोरदार तैयारियां और किंतु परंतु का माहौल बना हुआ है। इसी के बीच हरियाणा में 5 शहरी निकायों के उपचुनाव की भी तैयारी है। ये उपचुनाव गुरुग्राम की सोहना, कैथल शहर कैथल के राजौंद, नारनौल और रेवाड़ी जिले के बावल में होने हैं। पर 2 साल देरी से चल रहे फरीदाबाद नगर निगम, 1 साल देरी से चल रहे गुरुग्राम और 2 साल पहले नगर निगम बने मानेसर नगर निगम के चुनाव पहले से ड्यू हैं। यही क्यों इस दिसंबर जनवरी में उन 5 जगह भी नगर निगम के चुनाव ड्यू हो जाएंगे, जहां दिसंबर 2018 में पहली बार मेयर के डायरेक्ट चुनाव हुए तो 5ों जगह बीजेपी के मेयर बने थे और हर ओर बीजेपी की वाह वाह हुई थी। लेकिन ये ड्यू चुनाव क्या इस साल समय पर हो सकते हैं? हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार के ऊपर है, जब कराना चाहे करा सकते हैं। सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। हमारे आप देख ही रहे होंगे, हर रोज पन्ना प्रमुख या कार्यकर्ता तैयार है, वो सरकार की मंशा के ऊपर है, वो अब कराना चाहे या लेट कराना चाहे वो उन्होंने देखना। हम अगर अपनी बात करें तो तैयार है। ये तो साफ हो गया है कि प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को 5 जगह शहरी निकायों के उपचुनाव के मद्देनजर इन जगह के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले या किसी नियुक्ति पर मतगणना के वक्त तक रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। पर मौजूदा परिस्थितियों से नहीं लगता कि पहले से ड्यू चल रहे गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर नगर निगमों और दिसंबर जनवरी में ड्यू होने वाले 5 और नगर निगम हिसार, रोहतक, करनाल, पानीपत और यमुना नगर में भी नगर निगमों के चुनाव होने के कोई आसार हैं। बिल्कुल ठीक है स्थिति। पिछली बार भी देखो आप कितने भारी बहुमत से आए थे और शायद निकाय प्रकोष्ठ के और जितने भी ये जिला परिषद के चुनाव इकट्ठे हुए थे तो जबरदस्त बूम आया था और उसका लोकसभा में फायदा हुआ था। अब भी इसी बार ऐसा ही होगा कि बहुत ज्यादा। हमारे पानीपत में देख लो 24 के 24 पार्षद इसमें से आए थे, 26 थे तो 2 और थे, वो बाद में ज्वाइन कर लिया था, अलग बात है, 24 पार्षद बीजेपी से चुनाव जीते थे। हालांकि जिन 28 शहरी निकायों के चुनाव की वार्ड बंदी और आरक्षण के प्रावधान का काम चल रहा था, उनमें 24 निकायों की वार्ड बंदी पूरी होने और 19 का ब्यौरा तो चुनाव आयोग को भेजने की भी खबरें आ रही हैं। संभावना ये भी है कि सरकार छोटे निकायों और नगर निगमों के चुनाव का दिवाली के आसपास नोटिफिकेशन भी कर सकती है। पर 5 राज्यों के चल रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के व्यस्त रहने और 3 दिसंबर तक चुनावी नतीजे आने की तारीख फिक्स होने से नहीं लगता कि नगर निगमों के चुनाव इस साल हो पाएंगे। फिर भी उम्मीदें तो जिंदा रहनी चाहिए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। तो हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव का इंतजार एक लंबे समय से हो रहा है, हर 2 साल की बात की जाए तो ये अधर में ही लटक जाते हैं। आखिर क्यों देवेंद्र, आखिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं नगर निकाय चुनाव और वजह क्या है? सरकार का तर्क लगे ठीक है। देवेंद्र तक हम
फिर आएंगे, एक बार महेश के पास रुख करेंगे। महेश, आखिर क्या वजह आप मान रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे? सरकार तर्क दे रही है, सरकार का कहना है कि वार्ड बंदी नहीं हुई है। ओबीसी अगर ए कैटेगरी के आरक्षण की बात की जाए तो उसका काम 2 से 3 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है? तो तैयारियों के बावजूद भी परिस्थितियों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए इस तरीके के निकाय चुनाव कराए जाते हैं और स्थानीय स्तर पर होने वाली प्रगति किस तरीके से की जाए, इसलिए निकाय चुनाव कराए जाते हैं। चाहे नगर निगम की बात की जाए, नगर परिषद की बात की जाए, नगर पालिका की बात की जाए, और आखिर जमीनी स्तर पर विकास कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि विधानसभा चुनाव भी दूर हैं प्रदेश में, लेकिन क्या जमीन से जनता से कनेक्ट होने की दिशा में सरकार कहीं ना कहीं इसमें कोई कोताही बरत रही है, आखिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, बड़ा सवाल है। देवेंद्र, आपसे सीधा सवाल कि आखिर ये चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है? सरकार अपने तर्क दे रही है, लेकिन इस बीच जो स्थानीय स्तर पर जो विकास की बात है वो अधर भी लटकी नजर आ रही है। देखिए सौरभ, दो चीजें हैं। एक तो टाइमिंग देखना पड़ेगा। पिछली बार जब 5 नगर निगमों के चुनाव हुए थे, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर, पहली दफा पिछली बार डायरेक्ट चुनाव मेयर के हुए थे, क्योंकि उससे जो पहला कार्यकाल था 13 से 18 वाले कार्यकाल में मेयर रोते हुए मिले थे कि हमारा नाम तो मेयर है, पोजीशन मेयर की है, लेकिन हैसियत क्लर्क की भी नहीं है। और मेयर तब ये भी कहा करते थे, मैंने खुद सुना है, कि हमारे पास इतनी पावर नहीं कि आपको हम चाय पिला सके, 2 अखबार खरीद सके। सफेद हाथी थे 13 से 18 वाला जो कार्यकाल था मेयरों का। उसके बाद सरकार को लगा कि मकसद पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि पब्लिक में भी बदनामी हो रही थी, नाम तो मेयर का है लेकिन पावर नहीं है, सफेद हाथी थे। तो फिर सरकार ने 2018 के जो चुनाव हुए थे उससे पहले ये कहना शुरू कर दिया कि इस बार हम मेयर को पावर देंगे, उसकी वित्तीय शक्तियां बढ़ाएंगे, उनको लगेगा पावरफुल। तो 2018 के जब चुनाव हुए तो मैंने सुभाष बराला तब प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, पानीपत आए थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया कि पहले तो मेयर की कुछ हैसियत नहीं थी, वो बेचारे कहते थे कि हम क्लर्क से भी नीचे, हमारी हैसियत नहीं है। तो सुभाष बराला तत्कालीन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने पानीपत में कहा था कि इस बार हम पावरफुल बनाएंगे, सारी पावर देंगे, लेकिन वो पावर आखिरी 2 महीने में जाकर अब मिली है। पिछले हफ्ते जो फैसला सरकार का हुआ है, अभी भी मेयर के पहले से ठीक है, उनका 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्यों को स्वीकृति दे सकते हैं, अब 10 करोड़ की पावर की गई है। जेई से लेकर ग्रुप सी और डी के जो छोटे कर्मचारी हैं, अगर पब्लिक को तंग करते हैं, कोई भ्रष्ट आचरण उनका है, लापरवाही करते हैं, मेयर की या प्रतिनिधियों की बात नहीं मानते, तो मेयर अब डायरेक्ट एक्शन उन पर ले सकता है। ये पावर अभी पिछले हफ्ते से मिली है, हालांकि नोटिफिकेशन मेरे को लगता है अभी भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर जो पावर मिलनी थी वो 2 महीने कार्यकाल खत्म होने के पहले मिली है। तो टाइमिंग जब थी 2018 के चुनाव में उत्साह बहुत था जो मेयर पद के उम्मीदवार थे या पार्षद थे, लेकिन जैसे कैसे ये 5 साल गुजर रहे हैं अब, तो उसमें टाइमिंग तब जब पांचों मेयर जो थे रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और यमुनानगर शानदार तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार थे और जीते थे, पूरे देश में जय जयकार हुई, प्रधानमंत्री तक को, यहाँ की जो पानीपत की मेयर है महिला थी, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाया था, उनको शाबाशी दी थी। लेकिन अब मेरे को लगता है थोड़ा सा बेचैनी वाली स्थिति जरूर है। मेरी किसी पार्षद से भी बात हो रही थी कि आज अगर दोबारा चुनाव हो जाए दिसंबर में, जो ड्यू है इन 5 नगर निगमों के जहां मेयर बने थे, आपको लगता है कि 5ों मेयर बीजेपी के जीतेंगे? मेरे को लगता है आत्मविश्वास कम, लेकिन रिप्लाई जो थी वो जवाब जरूर था, लेकिन चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी थी। वही बात है, टाइमिंग का फर्क है, 2018 और आज 2023, बिल्कुल, तो ये टाइमिंग की बात है। दूसरा ये है कि जब चुनाव हुए थे 5 नगर निगमों के, उसके बाद बाकी जगह चुनाव होने थे, जैसे 2 साल फरीदाबाद को होने वाले हैं, अभी 1 साल गुरुग्राम को भी होने वाला है, ओवरड्यू चुनाव हो गए हैं। जब चुनाव नहीं हुए तो कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए थे फरीदाबाद गुरुग्राम के, कि सरकार जानबूझ के चुनाव नहीं करवाना चाह रही, सरकार की मंशा नहीं है। तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये डेमोक्रेटिक राइट है चुनाव कराना, आपको चुनाव समय से कराने चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से ये दलील दी थी कि वार्ड बंदी, आबादी बढ़ गई है, कुछ क्षेत्र में संशोधन हुआ है, तो वार्ड बंदी के लिए थोड़ा समय चाहिए, वो समय हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन तमाम तर्क ऐसे हैं, समय को तय कर दिया था। बिल्कुल, तमाम तर्क ऐसे सरकार की तरफ से कि वो बार बार ये कहा जा रहा है कि काम किया जा रहा है आपसे, फिर भी कहा गया कि 2 से 3 हफ्तों में रिपोर्ट दे दी जाएगी, उसके बाद चुनाव आयोग अपने हिसाब से तैयारी कर ले। आखिर ये रिपोर्ट
किस तरीके की दे दी जाएगी, और जो रिपोर्ट देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है उसमें तैयारियां कितनी है? तैयारियां महेश कहीं ना कहीं अधूरी नजर आ रही है अभी भी। देखिए, सातवर से बात तक कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है और ये सुनिश्चित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी अग्नि परीक्षा में पहुंचने से पहले अच्छा माहौल, एक फील गुड का माहौल तमाम वोटर्स को उपलब्ध करवा पाए, और जिस तरीके का जनादेश सामने आता है वो सीधा असर यहां पर लोकसभा चुनाव पर डालेगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव यानी हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी ये निर्धारण इन्हीं चुनाव से हो सकता है। अब सरकार इसी खतरे को भांपते हुए ये रिस्क मुझे लगता है कि लेने के लिए तैयार नहीं है, और देरी आगे आने वाले दिनों में चाहे के कारण जो भी गिनवाए जाए, लेकिन हाल फिलहाल ना तो इन नगर निगम में जो अभी जनवरी के महीने में हिसार का जिक्र करें, पानीपत का जिक्र करें, रोहतक का जिक्र करें, दिसंबर एंड और जनवरी की 8 तारीख तक ये जो समय अवधि है ये खत्म हो जाएगी, और ना तो इन मेयर्स को ये लगता है कि दोबारा सरकार चुनाव करवाने जा रही है, और ना ही इन पार्षदों को ये यकीन है कि दोबारा से चुनाव हाल फिलहाल होने जा रहा है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा के बाद ही सरकार, जो भी सरकार हरियाणा की सत्ता में आएगी, वो ये चुनाव करवाएगी, चाहे नगर निगमों का जिक्र करें, चाहे निकाय चुनावों का जिक्र करें, तकनीकी कारण जो भी हो, कानूनी कारण जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये मूड सरकार का नजर नहीं आ रहा कि हाल फिलहाल ये रिस्क सरकार ले लोकसभा की अग्नि परीक्षा से पहले, विधानसभा की अग्नि परीक्षा से पहले इस तरह के नगर निगम के चुनाव, निकाय चुनाव करवाए। उनका जो जनादेश सामने आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ जला सकता है, और सरकार इसी खतरे को भांपते हुए मुझे लगता है कि पीछे हटती नजर आ रही है। बिल्कुल वीरेन जी, किस नजरिए से देख रहे हैं? महेश ने जिस तरीके से बताया कि सरकार को खतरा है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव विधानसभा होने हैं, लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, रणनीति सरकार पूरी सुनिश्चित तरीके से कर रही है, लेकिन हर 2 साल बाद इस तरीके से अधर में लटक जाना, आप क्यों मानते हैं किस तरीके से सरकार की रणनीति है? लोकसभा विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इस पर पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। सरकार इन निकाय चुनाव के प्रति गंभीर नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो वार्डबंदी का काम इतने समय तक क्यों लटका रहता? अब सरकार कुछ दावे करे, लेकिन ये बात निश्चित है, बिल्कुल बात सर्वमान्य है कि सरकार इन चुनाव को कराने में उसकी रुचि नहीं है, क्योंकि तो चुनाव अगर पहले कराए जाते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। अब देखिए, पिछली बार जो है जींद उपचुनाव से ही मनोहर लाल सरकार की छवि बनी थी, इसलिए दोबारा उनका जो है वहां दोबारा मुख्यमंत्री पद की उनकी बनी और सरकार आई, लेकिन अगर निकाय चुनाव पहले हो जाते हैं तो उसका परिणाम सबको सामने नजर आ ही रहा है, तो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि चुनाव हो, इससे गुटबाजी भी बढ़ती है और सरकार उसके लिए तैयार भी नहीं है। पार्षदों का भी एक तरह से अलग तरह से टिकटों का वितरण में बड़ी वो रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में आए, तो इसलिए अगर सरकार गंभीर होती तो वार्डबंदी कराना क्या मुश्किल नहीं काम नहीं था, ना अभी वार्डों का प्रसीमन हुआ है, ना कुछ अभी तैयारी है, प्रशासनिक बिल्कुल तैयारी नहीं है। अगर सरकार चाहती तो ये काम कभी का हो गया होता, और ये बात है कि जो ये निकाय चुनाव है ये नेताओं की नर्सरी है, पर जो हमारे नेता तैयार होते हैं वो इस निकाय चुनाव से तैयार होते हैं। अब कृष्ण पाल गुर्जर देखिए, 1995 में पार्षद बने, फिर सांसद बने, फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री बने, तो ये देखिए नेताओं की नर्सरी है और ये नेता यहीं से तैयार होते हैं। अब चाहे आप संजय भाटी का उदाहरण ले लीजिए, तो ये मानकर चलिए कि सरकार इन चुनावों के प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन लोगों में ये रहता है जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं या सक्रिय होना चाहते हैं उनके लिए निकाय चुनाव जो है बहुत अहम है। बिल्कुल महेश, एक तरफ तो सरकार मेयर्स की पावर बढ़ा रही है कि स्थानीय स्तर पर काम किए जाएं, क्योंकि मेयर्स की हमेशा से दलील ये रही है कि हमें निचले ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी अधिकारी है काम नहीं करने देते हैं, और एक तरफ निकाय के चुनाव को लटकाया जा रहा है, साफ तौर पर मंशा यही जाहिर हो रही है। किस तरफ इशारा कर रही है सरकार की पूरी रणनीति? देखिए, पावर्स कब दी गई है, जब हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर समावधि खत्म होने को है, 2 महीने पहले पावर्स दे दी गई। इससे पहले अगर जिक्र करें तो फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर के जो नगर निगम चुनाव पहले से करवाए जाने थे साल और 2 साल से वो भी लटक रहे हैं, तो पावर्स कब दी? जब पावर दी जाने की जो अवधि है वो खत्म होने वाली है, तो ऐसे में मानकर चलिए कि सरकार बिल्कुल भी इन चुनाव में दिलचस्पी नहीं लेना चाहती, क्योंकि खतरा बड़ा है और इस खतरे का जो है एहसास सरकार यहां पर करती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव का जिस तरीके से जिक्र यहां पर चल रहा था कि उपचुनाव का सीधा
जो है विधानसभा चुनाव पर देखने को मिला, तो ऐसे में सरकार इस बात को यकीनन मान रही है कि अगर इन नगर निगम चुनाव के परिणाम अगर विपरीत पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कहती रही है कि शहरी वोटर्स उसके साथ कनेक्ट करता है, शहरी वोटर्स सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, अब अगर नगर निगम चुनाव परिणाम ही भारतीय जनता पार्टी के फैसले के अनुकूल नहीं आते, उनके खिलाफ ये फैसला अगर जनादेश सामने आ जाता है तो यकीनन फिर एक बड़ा सेटबैक यहां पर ना सिर्फ लोकसभा चुनाव को बल्कि विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। अब की बार पिछली बार भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दावे को सामने रख रही थी, लेकिन इस बार इस तरह का दावा अभी तक ना तो लोकसभा के लिए किया गया है और ना ही विधानसभा के लिए इस तरह का कोई दावा सामने आया। हालांकि वक्त अभी बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह बखूबी समझ रही है कि पहले जनता को फील गुड करवाना पड़ेगा। ऐसी योजनाएं, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी योजनाएं अब सरकार ऐसी लागू करना चाहती है जिससे जनता को फौरी राहत मिल पाए और यकीनन ये वोट में तब्दील हो, ये कोशिश अब सरकार लगातार कर रही है। और जिस तरीके से छोटे इम्तिहान भी अगर नौकरी को लेकर किसी तरह की एलिजिबिलिटी को लेकर सरकार करवा रही है, तो रोडवेज की बसों में निःशुल्क आना जाना, यहां तक कि हेल्प डेस्क तक सरकार बनवाने जा रही है, ये काम पहले भी किया जा सकता था, लेकिन चुनावी अग्नि परीक्षा चूंकि सामने है तो ऐसे में युवा वोटर्स को लुभाने की कोशिश है, महिलाओं को लुभाने की कोशिश है, इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परेशानियों को कम करने की अब सरकार लगातार अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है। जो काम महीनों में सालों में नहीं हो पाया उसे दिनों में निपटाने की कोशिश अब सरकार कर रही है, जनता को फील गुड करवाने की कोशिश है, लेकिन खतरा बढ़ा है और इसी खतरे के चलते अब इन चुनावों में सरकार अपनी दिलचस्पी बेहद कम रखे हुए है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि सरकार युवाओं को, महिलाओं को, जो वोटर्स है, वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ रिझाने की कोशिश भी कर रही है और इसी कड़ी में शायद ये जो निकाय चुनाव है इनको फिलहाल करवाने के मूड में नहीं है, क्या सरकार को ये पता है कि जनता को अपने पक्ष में करना है, मूड अपने पक्ष में बनाना है वोटर्स का और उसके बाद आगे किसी भी तरीके की रिस्क ली जा सकती है और इसी कड़ी के तहत सरकार पहले लोगों के बीच में पैठ बना रही हो, योजनाओं हो, चाहे मेयर्स की पावर्स बढ़ाने की बात हो, महिलाओं और युवाओं के लिए तमाम तरीके की प्रदेश स्तर पर ऐलान किए जाने की बात हो। देखिए सौरभ, एक के बाद एक कदम जो फैसला सरकार ले रही है वो सीधा सीधा केंद्रित है कि किस तरीके से वोटों को बनाए रखा जाए, उसको बढ़ाया जाए और जो खतरे हैं उनको कम किया जाए। पीछे जैसे हमने पंचायतों में देखा था 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था, हालांकि उतनी महिलाएं आगे नहीं आई चुनाव लड़ने के लिए। अभी फिर जो नगर निगम चुनाव है, शहरी निकायों के चुनाव है, उसमें जो आरक्षण वाला मुद्दा था, बैकवर्ड ए बैकवर्ड बी, जो पेंडिंग मुद्दा चला रहा था हाईकोर्ट के आदेश पे कि 8% आरक्षण दिया जाए, सरकार वो भी कर रही है। उसके अलावा जैसे अभी ग्रुप सी और डी के जो पेपर होने हैं, अभी एग्जाम होने नौकरी के लिए, उसमें इंटरव्यू फ्री, बसों में आना जाना, मतलब तमाम तरह के जो कोशिशें, जो फैसले जनहितैषी होने वाले दिख सकते हैं, सरकार उस पर पूरा जोर लगाए हुआ। मैं बात फिर वही कहूंगा, सोनी जी और महेश जी जैसा कह रहे हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा है, सरकार अगर गंभीर होती चुनाव तो फिर फरीदाबाद की 2 साल ओवरड्यू हो गए, चुनाव अब तक नहीं हुए, गुरुग्राम की 1 साल हो गया, मानेसर को 2 साल, 11वां नगर निगम मानेसर बना था गुरुग्राम का, गुरुग्राम में खुद नगर निगम है लेकिन चूंकि दायरा फैल गया, इंडस्ट्री ज्यादा आ गई, तो मानेसर में 2 साल पहले नगर निगम घोषित किया गया लेकिन चुनाव अभी तक नहीं हुए। तो अभी जो दिसंबर जनवरी में ये 5 मेयर जहां जीते थे, बीजेपी के डायरेक्ट चुनाव हुए थे, बड़े अच्छे तरीके से जीते थे, उसके बाद मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने थे 4-5 महीने बाद, तो वो माहौल जो मेरे को लगता है वो शायद बीजेपी को भी महसूस नहीं हो रहा। बीजेपी नेताओं में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डर जरूर है, लोगों में नाराज सब लड़ने लायक हो गई है, जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्राएं हुई है, हमलावर है, विपक्ष का एक गठबंधन बना है, जिस तरीके से सारी चीजों को मद्देनजर रखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को असुरक्षा तो महसूस हो रही है कि डेंट पड़ सकता है, तो उसी के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को, पार्टी को एक्टिवेट करने के लिए कसरत हो रही है कि वार्ड बंदी को फाइनल किया जाए, अखबारों में खबरें आ रही है, टीवी मीडिया पे इंटरव्यू आते हैं कि सरकार कर रही है कोशिश, कई पंचायतों के चुनाव हो गए, शहरी निकायों के चुनाव हो, लेकिन तैयारियां तो चलती दिख रही है, उनको एक्टिवेट करने, माहौल बनाए रखने की कोशिश है, लेकिन चुनाव हो रहे हैं ऐसा बहुत कम दिख रहा है। और इस साल तो जैसा हम बता रहे हैं, इस साल नगर निगमों के चुनाव होंगे, जैसे सबसे पुराना नगर निगम फरीदाबाद है, उसके बाद गुरुग्राम बना जब डेवलपमेंट हुई, फिर 7 नगर निगम उपेंद्र हुड्डा ने बनाए थे, 9 बने, 10वां सोनीपत को बनाया गया, उसके चुनाव हुए, 11वां मानेसर बना है, तो धीरे धीरे सरकार ने अपने माहौल को देखते हुए, बीजेपी की लोकप्रियता को, नरेंद्र मोदी के जादू को देखते हुए नगर निगमों का दायरा बढ़ाया, लेकिन जब अब चुनाव की बात है तो सावधानी पूर्वक कदम
उठाए जा रहे हैं और शायद बिल्कुल एक थोड़ा सा खतरा है जो जोखिम उठाने वाली बात है। सरकार उस स्थिति में नहीं है कि चुनाव करा दे, ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव होंगे। बिल्कुल देवेंद्र, यही सवाल है कि सरकार उस स्थिति में नहीं है और कहीं ना कहीं उस स्तर को मजबूत करने की कोशिश एक एक्सरसाइज जिसे कहा जा सकता है वो की जा रही है। वीरेन जी, अभी तो पूरा मैदान फतेह करना है, लोकसभा चुनाव है और आने वाले समय में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होंगे। जनता के भरोसे की अगर बात की जाए तो जनता का भरोसा बीजेपी पर कितना ठहर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को डर लग रहा है कदम आगे बढ़ाने से पहले, वो 10 बार सोच रही है कि आखिर इसका कुछ विपरीत असर जो है पार्टी पर ना पड़े। बिल्कुल, देखिए प्रॉपर्टी आईडी सबसे बड़ा मुद्दा है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भी इस मुद्दे को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी आईडी, हालांकि सरकार दावा करती है कि उसने बहुत कुछ सुधार किया, एसओपी जारी कर दी, अब लोगों को कठिनाई नहीं हो रही, लेकिन आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है। तो इसलिए प्रॉपर्टी आईडी है, भ्रष्टाचार है और तरह की जो विकास कार्य है वो स्थिति, जो शहरों की गंदे पानी की निकासी है, पेयजल आपूर्ति है, सफाई का मुद्दा है, ये कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं। और नगर निगमों की स्थिति ऐसी है कि वो आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव के समय में जो संकल्प पत्र, जो वहां वायदे किए थे, उसको आज तक पूरे नहीं कर पाए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मालूम है। तो शहरों में स्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि स्थिति में आ बैल मुझे मार वाली स्थिति बने। और नगर निगमों के औचित्य पर भी सवाल है, जो नगर निगम गठित किए गए, अब मानेसर नगर निगम बनाया गया, क्या वहां तो कोई जिला भी नहीं है, मानेसर जिला भी नहीं है और मानेसर को नगर निगम बनाया गया, उसके औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, देखिए अनिल विज का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बड़े धाकड़ नेता है, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र को अम्बाला नगर निगम से बाहर करा दिया क्योंकि वो नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो मतलब जो धाकड़ है, जो बिल्कुल निर्भीक नेता है, वो अपने अनुसार अपना वहां काम करा लेते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वहां नगर निगम के औचित्यों पर भी सवाल है, वो चाहते हैं कि नगर निगम बने ना बने, लेकिन इस समय कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। जो लाभ नगर परिषद में होता था वो लाभ नगर निगम में नहीं है, हालांकि नगर निगम का दायरा बड़ा हो जाता है, लेकिन नगर परिषद के अंदर जो अध्यक्ष होता है उसे बहुत अधिकार रहते हैं, मेयरों के पास कोई अधिकार नहीं है। अब जो उनकी वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई गई है वो मात्र झुंझुना है, उसके अंदर वो कितने सहायक हो पाएंगे, कितने वो प्रभावी हो पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम नहीं लेगी, ना ही पार्टी की तैयारी है। स्पष्ट बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख दावा कर नेता जो है कहें, लेकिन वास्तविक रूप से निकाय चुनाव के लिए उनकी पूरी तैयारी नहीं है। इस तरह के ना निकाय प्रपोज सक्रिय है, ना पार्षदों के कोई सम्मेलन हो रहे हैं। तो इस तरह ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और ना ही दूसरे दल इतने तैयार है। कुल मिला के ये देखा जाए कि ये जो स्थिति है वो की स्थिति बनी रहेगी और निकाय चुनाव के पर प्रश्न चिन्ह और असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल, ये जो असमंजस की स्थिति है इससे कैसे पार पाया जाए, एक सवाल जस का तस बरकरार है। आखिर जो चुनाव है वो कब होंगे, निकाय के चुनाव, और उसके बाद जो स्थानीय स्तर पर विकास कैसे होगा, कब होगा। महेश, एक्सरसाइज बड़ी की जा रही है और दिमाग भी लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ऐसे में जो जिस तरीके से वीरेन जी ने जिक्र किया कि जो भारी भरकम नेता होता है वो अपने क्षेत्र का विकास करके ले जाता है और जो अपने क्षेत्र की आवाज़ को नहीं उठा पाता वो पीछे रह जाते हैं, और संपूर्ण विकास की अगर बात की जाए तो कैसे संभव हो पाएगा। देखिए बिल्कुल, राजनीति में जिसकी सत्ता में हिस्सेदारी ज्यादा होती है, जिसका पार्टी में कद बड़ा होता है, उसे ज्यादा बजट मिल सकता है। और तमाम उदाहरण हमने देखे हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री कोई रहा हो, तो जिनके पास अधिकार, आर्थिक अधिकार ज्यादा होते हैं, वो अपने इलाके का ज्यादा विकास करवा पाते हैं। ये तमाम जो संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आती है, साफ तौर से हमने देखा। लेकिन जिक्र यहां पर भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक लिहाज से सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी अगर कोई पार्टी तैयार हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। 48 घंटों के अल्टीमेटम के बाद भी अगर यह कह दिया जाए कि हरियाणा के अंदर नगर निगम चुनाव करवाए जाने हैं, तो सबसे पहले अगर कोई पार्टी का नेता और कार्यकर्ता अगर तैयार हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता तैयार होगा। इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर बूथ स्तर पर जो लोग इलेक्शन को संभालते हैं, मैनेजमेंट को संभालते हैं, थैले उठाने वाले लोग, पोलिंग एजेंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो थैला उठाने वाले लोग अगर सबसे पहले किसी को मिल सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार फिर से सांस फूलने वाली
स्थिति वहां पर पैदा हो जाएगी कि पोलिंग एजेंट कौन है, किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया जाए। 48 घंटों का अल्टीमेटम भी अगर हो तो भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी मुकम्मल कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसका कार्यकर्ता तैयार है, उसका नेता तैयार है, उसका पार्टी का संगठन तैयार है, पार्टी का पूरा जो मैकेनिज्म है वो यहां पर तैयार है और एक्टिव कर लिया गया है। जिस तरीके से हमने देखा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे, विप्लव देव पहुंचे, तमाम सीनियर नेता वहां पर पहुंचे, अलग अलग जो कैबिनेट स्तर के नेता है उन्हें अलग अलग विधानसभाओं में जिम्मेदारी दी गई, जनसंवाद करवाए गए, लेकिन जनसंवाद कितना कारगर साबित हुआ, खुद मुख्यमंत्री का जनसंवाद कितना कारगर साबित हुआ, कैबिनेट मंत्रियों को, सांसदों को जनसंवाद करने के लिए भेजा गया, लेकिन कितना वो जनता की दर्द को समझ पाए, कितना वो जनता के दर्द को कम कर पाए, ये सबसे अहम सवाल है। अब क्या वोटर का मूड भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यही सबसे बड़ी परेशानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बिल्कुल देवेंद्र, लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगा छोटा सा रिएक्शन कि आखिर जो चुनाव के आसार तो नजर नहीं आ रहे, ऐसे में सरकार की अगली रणनीति क्या होगी, इंतजार किया जाएगा आगे? देखिए सौरभ, सरकार माहौल बनाए रखने की, पब्लिक में दिखाए रखने की कोशिश चाहती है कि संगठन बहुत मजबूत है। कांग्रेस की जहां अभी तक कमेटियां नहीं बनी, अभी मेरे को कई लोग मिलते हैं बीजेपी वाले कि जो पार्टी 10 साल से संगठन नहीं बना पाई वो सरकार क्या बनाएगी, इस तरीके के मतलब आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे। हालांकि कांग्रेस भी, मेरे को लगता है हम लोगों के बीच में रहते हैं, कांग्रेस के लोगों में भी करंट तो है, वो जनता की सेंटीमेंट्स को भांप रहे हैं। लेकिन जहां तक चुनाव कराने की बात है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि लगता है कि सरकार कसरत कर रही है चुनाव की तैयारियां, लोगों को लगे चुनाव हो सकते हैं, पार्टी के लोग एक्टिवेट रहे, प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी को भी ये हो कि सरकार कब कह दे कि चुनाव, और दिवाली के आसपास शायद नोटिफिकेशन हो सकता है जो मेरे को खबर है। दिवाली के आसपास चूंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव है, 3 दिसंबर तक तो उसके रिजल्ट ही आने हैं, 12-13, 12 नवंबर के आसपास दिवाली है, तो दिवाली के आसपास कहीं शायद सरकार नोटिफिकेशन कर सकती है, इस तरह की सूत्र भी बता रहे हैं, लेकिन तब भी मेरे को लगता है संभावना बहुत कम है। सरकार नगर निगम चुनाव करा के कोई रिस्क अपने एक तरह से हाथ नहीं जलाना चाहती जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव पूरी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एजेंडा है और बहुत बड़ा फोकस एरिया है। लोकसभा के चुनाव को किसी भी तरीके से कोई और चुनाव करा के सरकार खराब नहीं करना चाहेगी, क्योंकि बड़ा रिस्क है, तो शायद इसीलिए तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन ये शो होगा इसकी संभावना कम है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वीरेन जी, लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगा, आगामी जो रणनीति है वो किस तरीके की नजर आ रही है, होंगे चुनाव या फिर लोकसभा विधानसभा के चुनाव के होने के बाद रूपरेखा तैयार की जाएगी? देखिए अभी तो आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है, बीसीए को आरक्षण देना है, सीटों पर निर्धारण करना है, वार्डबंदी होनी है, ये लंबी प्रक्रिया है। हर सत्तारूढ़ दल जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है वार्डबंदी करता है ताकि वहां जीत की संभावनाएं सुनिश्चित हो। तो अभी तो मुझे लगता है कि वार्डबंदी में ही मामला उठ कर रहने वाला है, वार्डबंदी पर आपत्तियां मांगी जाएंगी, कुछ लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो वो कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव इतनी जल्दी होने वाले हैं, ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव हो पाए। चलिए बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम सहयोगियों का। वार्डबंदी के बिना निकाय चुनाव कैसे होंगे, सरकार अलग रणनीति अपना रही है, सरकार का ये कहना है अप्रत्यक्ष रूप से कि अभी चुनाव में वार्डबंदी होगी, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का जो आरक्षण है उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन 2 सालों से ऐसी स्थिति बनी आ रही है, आखिर कब निकाय चुनाव होंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि निकाय चुनाव ही शीर्ष स्तर के चुनाव की एक रणनीति, एक बड़ा नेता तैयार करते हैं। अब ऐसे में सरकार किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती, पहले सरकार ये चाहेगी कि लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव है वो हो जाएं, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाए। फिलहाल देखना होगा कि जो निकाय चुनाव है उसको लेकर सरकार की आगे की रणनीति क्या कुछ रहती है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।